को मेरा नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ब्रेन बर्ड्स में। मैं वापस आ चुका हूँ आपके दिमाग के परिंदे उड़ाने। आज मैं लगाने वाला हूँ क्लास पाकिस्तान की, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तालिबान के अटैक के बाद अफगानिस्तान की जो हालत हो गई थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। कैसे लोग वहां से भाग रहे थे वो हमने अगस्त के महीने में हमने देखा था, क्योंकि तब जो प्रकोप था, जो मतलब कि जो अटैक था तालिबान का, वो हद से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अब इसके बाद अफगानिस्तान में जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए मेडिसिन नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है। और आपको तो पता ही, जब इंडिया ऐसी चीज़ें देखता है तो मदद भी करता है। जैसे हमने कोरोना के टाइम पे कई कंट्रीज़ को अपनी वैक्सीन्स को दिया था, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान को करीबन 50,000 टन गेहूँ देने की कोशिश की, दिया भी, बट उसके बीच में कई अड़चने आई। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बात की कि हम इतना गेहूँ और जो वीट है उसे अफगानिस्तान को देना चाहते हैं एक इंसानियत के तौर पे, तो पाकिस्तान ने तुरंत वहाँ पे इंडिया को मना कर दिया। क्योंकि आप तो जानते हैं कितने छोटे सोच के लोग, कितने अनपढ़ लोग वहाँ रहते हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों से। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, अब मैं आपको बताऊँ क्यों ऐसा हुआ कि इंडिया को पाकिस्तान के पास जाना पड़ा। इसके लिए बाघा बॉर्डर के बारे में आपको पता ही होगा, बाघा बॉर्डर से ये एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी पाकिस्तान से कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, वो भी हमसे कुछ चीज़ें लेते हैं ना, तो वो सब जितना भी चीज़ें जाती हैं वो बाघा बॉर्डर से जाती हैं और वो ईजी पड़ता है। अगर हम उसको समुद्र के रास्ते लेके जाते अफगानिस्तान तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता और करीबन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, महीनों का टाइम लग जाता। अब बाघा बॉर्डर से अगर हम पाकिस्तान में उसे एंटर करवाते अपने ट्रक्स को, तो वो कुछ दिन या कुछ घंटों के बाद अफगानिस्तान में पहुंच जाता है। ज़्यादा मतलब कि वहां पे ज़्यादा लेट नहीं लगता, क्योंकि एकदम सटा हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बट वो छोटी सोच के लोग, पहले तो उन्होंने इंडिया को मना कर दिया कि नहीं, आप अपने जो गेहूं है आप हमारी कंट्री से नहीं लेके जा सकते हैं। उसके बाद कुछ बाहरी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज से जो पावर है उनकी, जब उसने डोमिनेट करने लगे, उनसे कहा कि तुम्हें ये सब कर देना चाहिए, करने देना चाहिए, तो पाकिस्तान ने इंडिया के सामने एक शर्त रख दी कि भैया एक काम करिए, आपका जो गेहूं है ना, हमारे जितने ट्रक है उन पे लाद दीजिए, हम लेके जाएंगे अफगानिस्तान। अब आपको तो पता ही है, पाकिस्तान में आधे ज़्यादा लोग तो भूखे नंगे बैठे हैं, क्या पता वहाँ पे आधे ट्रक तो ऐसे ही चले जाते हैं कहीं ना कहीं, और क्या भरोसा कि बीच रास्ते में आप हमारा जो गेहूँ है वही बदल देते, कुछ बेकार भेज देते। और या तो ऐसा होता है वहाँ पहुँचने के बाद अब वहाँ की जो तालिबानी गवर्नमेंट है उनसे खुद क्रेडिट लेने लगते, नहीं भैया हम जिनके पास एक चार लोगों को खिलाने का गेहूं नहीं है, उसने 50,000 टन गेहूं आपके लिए भेजा है। तो जब ऐसा मना होने लगा सब कुछ, तो ईरान ने मदद की, और इंडिया ने तो ठान रखा था कि हम उनके पास मदद पहुँचा के रहेंगे इंसानियत के तौर पर। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा भी कि हाँ, एक इंसानियत की ओर से तो आप हमारी हेल्प करिए वहाँ तक पहुँचाने की, आप नहीं पहुँचा सकते तो हमें तो पहुँचाने दीजिए। तो तब जाके पाकिस्तान ने शर्त रखी, और उसमें भी क्या रखी कि आप अपने गेहूँ हमारे उस पर रखिए, ट्रक पे, और जो पाकिस्तानी उस ट्रक को लेके जा रहे हैं उन्हें आप फीस भी दीजिए। वो पता नहीं अपने हिसाब से लेते, तो आप जानते हैं कितनी बड़ी दुश्मनी हो चुकी है, तो दुगना तिगना टैक्स ले, वो जितना भी फीस होता है उनका वो लेते। तब ईरान खड़ा हुआ, ईरान ने मदद की, वो बोला कि आप हमारे जो पोर्ट है वहाँ पे आइए और वहाँ से हम इसे अफगानिस्तान भेजेंगे। और ऐसा ही हुआ, अभी बड़ी बड़ी शिप्स पे जो हैं कार्गो शिप्स, उन पे इंडिया ने सारे जितने भी गेहूँ थे पूरे 5,000 टन गेहूँ उन्हें लोड करवाया, उसके बाद उन्हें ईरान भेजा, ईरान से फिर उसे वहाँ अफगानिस्तान में भेजा गया। तो ईरान इस इंसानियत की मदद के लिए खड़ा हुआ। और आपको पता है, इंडिया ने सिर्फ गेहूँ ही नहीं भेजा, गेहूँ नहीं और भी कई चीज़ें भेजी, बट और सबसे ज़रूरी था वहाँ के बच्चों के लिए दवाई, करीबन 2 टन जो बेसिक मेडिसिन होती हैं और शायद वैक्सीन्स भी भेजी हैं इंडिया ने
जितनी भी मतलब कि जिस तरह की दवाई यूज हो सकती है, उनके जो फीवर्स हो गए और भी कई चीज़ें जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, करीबन 2 टन बेसिक मेडिसिन इंडिया ने अफगानिस्तान को उनकी मदद के लिए दी। और दोस्तों इंडिया ने कई प्रोजेक्ट बनाए, और आपको पता है काबुल में जो बच्चों का हॉस्पिटल है वो सिर्फ एक है, और वो भी है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। यस, और बहुत अभी काबुल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों का, मैं सबका नहीं कह रहा, सिर्फ बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, जो कि इंडिया ने ही बनवाया। और जो काबुल में इनकी पार्लियामेंट है उसको भी इंडिया ने बनाया। उसके बाद सलमा डैम, जो इतना बड़ा डैम है जिसको कहा जाता है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती का डैम, उसे भी इंडिया ने बनाया। उसके बाद रोड इलेक्ट्रिसिटी में भी इंडिया ने वहाँ के काम किया। समझिए कितनी ज़्यादा मदद की है अफगानिस्तान की, और इसी बात से चिढ़ता है ये पाकिस्तान। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए, और प्लीज़ 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 ब्रेन बर्ड को सब्सक्राइब करिए। सॉरी अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, मैं एक चीज़ भूल गया था। और मैं आपको बता दूँ एक अपडेट हमारे CDS बिपिन रावत जी से रिलेटेड, जो ब्लैक बॉक्स था वो एयरफोर्स को पहले ही मिल चुका था। अब उससे ये बातें पता चली हैं कि ये किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ है तो क्लाइमेट की वजह से। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें उनका हेलीकॉप्टर अचानक से ही बादलों की धुन में, जो फॉग होता है, जो कोहरा होता है, उसमें अचानक से गायब हो जाता है, उसी की वजह से पूरी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और हमारे जो पायलट रहते हैं वो इसे नहीं उड़ा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें इतने बड़े जर्नल को अपने खोना पड़ता है। जय हिंद, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।